हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन पढ़ेंगे। देखिए, उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, इसके लिए छह कंडीशन है। इसमें हम बारी बारी एक एक पढ़ते हैं। इसमें पहला है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इसमें देखिए, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस बताया गया है कि यह लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। यह आपका उत्तल लेंस है और ये आपका मुख्य अक्ष है। इसके कटान बिंदु को हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब इसके बाद इसका जो फोकस होता है, ये प्रथम फोकस होता है F1 और ये आपका 2F1 होता है, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। इसमें डबल वक्रता केंद्र होता है और डबल फोकस होता है। तो चलिए, यहाँ पे इसको हम कहेंगे F2 द्वितीय फोकस और इसको 2F2। देखिए, यह सभी दूरियां आपस में बराबर है। अब इसमें हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो अनंत का मतलब बहुत बड़ी दूरी हुआ, इसलिए इसको हम डॉटेड लाइन से इसे दिखा देंगे। अब अनंत दूरी पर अगर हम छोटी सी वस्तु रखें तो वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसके लिए बहुत बड़ी वस्तु लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसे डॉटेड लाइन कर देते हैं, ऐसे करके दिखाएंगे। अब फिर यहाँ से इसको ऐसे दिखा दिए। यह एक वस्तु है AB। अब देखिए, इस प्रतिबिंब को बनाने के लिए तीन कंडीशन बताया गया था। इस तीन कंडीशन में से दो कंडीशन का पालन करते हुए प्रतिबिंब बनाना है। तो इसमें पहला कंडीशन बताए थे कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ से अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को खींच रहे हैं तो यह इस लेंस से टकराएगा नहीं, इसलिए इसका अपवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम पहला कंडीशन नहीं लगाएंगे। दूसरा कंडीशन बताया गया है कि जब वह प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगा तो बिना विचलित हुए वह सीधे निकल जाता है। तो चलिए, यहाँ से हम सीधे प्रकाशिक केंद्र से गुजरते हैं। आप लोग इसको इंचर की सहायता से खींचिएगा ताकि टेढ़ा ना हो। अब इसके बाद ऐसे सीधा खींचेंगे, ये तीर का चिन्ह दिखा दिया, किरणें किधर से किधर आ रही हैं। और जब अनंत दूरी पे है तो ये पूरा वस्तु दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम यहाँ से जितना पोर्शन दिखाई देगा वहां से जो किरणें आएंगी समांतर आएंगी। इसके लिए हम यहाँ से समांतर किरणों को खींचेंगे और यह F1 से होकर गुजरेगा। देखिए, एक तो प्रकाशित केंद्र बताए थे और एक बताया गया था तीसरा कंडीशन कि यह प्रथम फोकस से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब यह जब मुख्य अक्ष के समांतर होगा, ऐसे अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर खींच रहे हैं तो देखिए, यहाँ पे एक दूसरे को काट रहा है और यह किरणें जहां एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए, यहाँ पे काटा है, यहाँ से हम ये फोकस है आपका, तो सही दूरी नाप लीजिएगा। अब यहाँ से इसको मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे तो ये आपका प्रतिबिंब हो गया। इसका नाम रखते हैं A-B-S। अब देखिए, वस्तु तो इतना बड़ा था, बीच में डैश मतलब ये बहुत बड़ा है, इसकी अपेक्षा ये जो प्रतिबिंब है वो बहुत छोटा है। और मुख्य अक्ष के नीचे जो बनता है, इसके लिए बताया गया था यह उल्टा है। मुख्य अक्ष के नीचे जो बन रहा है वह उल्टा होगा और जो उल्टा होता है वह वास्तविक होता है। इसमें आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उल्टा होगा वह वास्तविक होगा और जो सीधा होगा प्रतिबिंब वह आभासी होगा। तो इस तरह जो प्रतिबिंब बन रहा है, इस वस्तु की अपेक्षा छोटा बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा बन रहा है, उल्टा है तो यह वास्तविक बनेगा और द्वितीय फोकस यानी F2 पर बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब उल्टा कम वास्तविक
वस्तु से बहुत छोटा, और कहाँ बन रहा है F2, इसको हम लोग द्वितीय फोकस कहते हैं, तो F2 पर बनता है, इसको दूसरे ढंग से भी इसको बनाया जा सकता है। पहले कंडीशन को देखिए, इसी को दूसरे ढंग से कैसे बनाया जा सकता है कि वस्तु को अनंत पे रखना है, तो अनंत का मतलब इधर कहीं वस्तु रखा गया है, तो जब अनंत के वस्तु रखेंगे तो वहां से जो भी प्रकाश की किरणें आएंगी वह मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। ऐसे ये किरणें आ रही हैं, तो यह किरणें शो कर रहा है कि यह वस्तु इधर बहुत दूरी पे है, अनंत दूरी पे है, और यह किरणें आ रही हैं, तो जो किरणें आएंगी और लेंस से अपवर्तन के पश्चात यह द्वितीय फोकस से होकर गुजरता है, ऐसे द्वितीय फोकस से गुजर रहा है, फिर यह भी इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजरेगा, और दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, F2 पर काट रहा है, इसलिए इसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस यानी F2 पर बनेगा। हम इसको F2 पर दिखाएंगे, यहाँ जो प्रतिबिंब है वो बहुत छोटा है, तो इसलिए लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा और F2 यानी द्वितीय फोकस पर बनता है। चलिए इसका दूसरा कंडीशन देखते हैं कि जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच हो। देखिए इधर यह अनंत दूरी है, अब हम वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच में रखेंगे, तो अनंत और 2f1 के बीच का मतलब इसके बीच में हम कहीं भी वस्तु को रख सकते हैं, और वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत रखा जाता है। चलिए हम यहाँ पे वस्तु AB को रख रहे हैं, AB। अब इसके लिए जो कंडीशन बताया गया था कि यहाँ से प्रकाश की जो किरणें होती हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर खींचेगा और यह किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजरेगा, ऐसे F2 से गुजार देंगे। अब इसके बाद से दूसरा कंडीशन, प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है, तो यहाँ से हम प्रकाश की किरणों को गुजारेंगे। अब यहाँ सी से आया, सी से आने के बाद इसे गुजर जाएगा। अब देखिए यहाँ आके टकरा रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, तो यही इसका प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। अब देखिए हमने वस्तु ए बी को यहाँ पे रखा अनंत और 2f1 के बीच, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है F2 और 2f2 के बीच बन रहा है, और यह मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा बनेगा, और बताया गया कि जो उल्टा होता है वह वास्तविक होता है, तो इस तरह जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा तथा F2 और 2f2 के बीच बनता है। इस तरह से जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच होगा तो उसका प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा तथा F2 और 2f2 के बीच बनता है। चलिए अब तीसरा कंडीशन देखते हैं कि जब वस्तु 2f1 पर हो, यानी जब हम वस्तु 2f1 पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए सबका एक ही जैसा कंडीशन होता है। अब यहाँ पे हम वस्तु को रखेंगे, चलिए यहाँ वस्तु रख लिए AB। अब यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को खींचेंगे, अब यह किरण आएगी टकराने के बाद द्वितीय फोकस यानी F2 से होकर गुजरेगी, और एक प्रकाशिक केंद्र C से, तो इसमें सब अब इसके नोक से ही गुजारना है, यहाँ से अब सीधे C से गुजारेंगे, और यह जो किरण होगी तो ये किरण आकर यहाँ काट रही हैं, और दोनों जहाँ काटता है वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है, तो इस तरह का जो प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। अब देखिए हमने यह वस्तु ए बी को रखा तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश 2f2 पर बन रहा है। अब देखिए इस दूरी को नापेंगे तो इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि जो वस्तु है प्रतिबिंब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है, और मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो वास्तविक उल्टा होगा,
और 2F2 पर बनेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि जब वस्तु 2F1 पर हो तो उसका प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर तथा 2F2 पर बनता है। इस तरह यह प्रतिबिंब जब हम 2F2 पर रखते हैं तो लिखा जब वस्तु 2F2 पर हो तो उसका प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु के बराबर तथा 2F2 पर बनता है। चलिए चौथा कंडीशन है जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच हो, यानी कि हम उत्तल लेंस में वस्तु को 2F1 और F1 के बीच रखेंगे, तो इसके बीच में रखेंगे तो यहाँ एक वस्तु को हमने रख दिया AB। अब यहां से प्रकाश की किरणों को भेजेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर। ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरणें आ रही हैं। आने के बाद यह अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस यानी F2 से होकर गुजरेगा। फिर इसके बाद से प्रकाशित केंद्र C से होकर गुजारेंगे और बताया गया यह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है किरणें। अब यह दोनों एक दूसरे को जहाँ काट रही है वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए यहाँ काटा है, सीधे यहाँ से इस पर लॉक डाल दीजिए, तो यह हो गया A'B'। अब यह जो प्रतिबिंब बना है इस वस्तु की अपेक्षा यह बड़ा है, जो यह प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा बन रहा है और मुख्य अक्ष के नीचे है, इसको उल्टा कहेंगे। यह जो प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा है, वास्तविक वस्तु से बड़ा, और यह 2F2 इधर अनंत होगा तो 2F2 और अनंत के बीच बनता है। इस प्रकार जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा और 2F2 और अनंत के